जो आतंकवादी है कौन सरकार कहती है कि विल नॉट बाय पीस इन कश्मीर, विल एस्टैब्लिश इट, उनके सब इंसाफ बेसिक डिमांड मांग रहे हैं। करता हूँ उनसे एनएफएस है, हम लोगों को लड़वाने से कोई मतलब, सरकार करने वाले कौन लोग हैं उसी कारण हम यहाँ पे। यहाँ एक टोकन हंगर स्ट्राइक की थी और मैंने सरकार से कुछ डिमांडें मांगी थी, कुछ जेन्युइन रिक्वेस्ट किया था। एक कि बिट्टा कराटे की जुडिशल प्रोसेस स्टार्ट हो, दैट हैज़ बीन स्टार्टेड। दूसरी मैंने ये कहा जो तंत्र में जो सिस्टम है इंटरनेशनल और पाकिस्तानी स्टूज घुसे हैं, जो टैक्टफुली सरकार के जो रीजनल पार्टीज और हुर्रियत ने घुसाए हैं सिस्टम में, उनको टर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो। तीसरा मैंने ये कहा था जो इनोसेंट कश्मीरी पंडित हैं, जो इनोसेंट कश्मीरी मुसलमान हैं, जो इनोसेंट कश्मीरी सिख्स हैं जिनका मैसेकर किया गया, उस पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दे और कमीशन फौरन बिठाए। और मैंने एक और डिमांड की है साथ में, जो आलिम है जो हमको इकरा कराते हैं, जो माशरे को एनलाइटन करते हैं, और हमारे RMNC रमसा के टीचर्स, उनके साथ नानसफ यू, उनके साथ फौरन उनको एब्जॉर्व किया जाए सिस्टम में। ये मैंने दो डिमांड रखी हैं और मैं 24 तारीख तक सरकार का इंतज़ार करूंगा जब प्रधानमंत्री जी यहां आएंगे। मैं आपके माध्यम के थ्रू हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूं कि जो बेसिक डिमांड्स हैं, नेशनल डिमांड्स हैं, कमीशन अपॉइंट करे और RMC टीचर्स को फौरन उनको एब्जॉर्व करे। तो अगर 24 तारीख तक 4 बजे तक मेरी बात न सुनी गई तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ 24 तारीख 4 बजे मैं यही आपना करूँगा। हमारी जेन्युइन ये नेशनल डिमांड है कि कमीशन, जिसके साथ नरसंहार हुआ है, जिसने आतंकवाद का साथ नहीं दिया है, उसके साथ इंसाफ क्यों ना हो, क्यों ना कमीशन बने, क्यों हम ब्लेम की हम आपस में लड़ें। हम हिंदू मुसलमान सिख एक हैं, ये पैगाम हम कश्मीर, नया कश्मीर के साथ देना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं।